हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसी टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले आप लोग अपने इंस्टाग्राम का डिलीट अकाउंट कैसे रिकवर कर सकते हो। तो चलो अपने इंस्टाग्राम में चलते हैं और आपको बताते हैं। मैंने यहां से अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लिया। देखो, पहले तो आपको बता दूं यहां पे प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस यहां पे होता है अकाउंट डिलीट करने का। यहां पे सेटिंग में आना है आपको, अकाउंट सेंटर में आना है। अकाउंट सेंटर में आने के बाद आपको पर्सनल डिटेल, अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, यहाँ पे डीएक्टिवेट एंड डिलीटेशन के अकाउंट आता है। यहाँ पे आप टैप करते हो। उसके बाद जब आप अपना अकाउंट डिलीट करते हो तो यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन आता है आपको। डिलीट योर अकाउंट इज़ परमानेंट व्हेन यू डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, योर प्रोफाइल फोटो, वीडियो, कमेंट, लाइक एंड फॉलोवर्स विल बी परमानेंटली रिमूव। इफ़ यू जस्ट लाइक टू टेक अ ब्रेक, यू कैन टेम्परेरली डीएक्टिवेट योर अकाउंट। यहाँ पे आप लोग ऐसे कंटिन्यू करते हो। कोई भी इशू मान लो आप लोग यहाँ डालते हो, तो यहाँ पे आप डालते हो कोई भी इशू मान लो समथिंग एल्स में, यहाँ टाइप करके कंटिन्यू करते हो। यहाँ आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ता है, यहाँ पे कंटिन्यू करते हो। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिखता है। इफ़ यू कंटिन्यू विद अकाउंट डिलीटेशन, योर प्रोफाइल एंड अकाउंट डिटेल्स विल बी डिलीट ऑन 30 नवंबर 2023। यानी कि अगर आज 30 अक्टूबर है तो 30 नवंबर यानी कि एक महीने तक आप डिलीट विल बी डिलीट ऑन 30, एक महीने तक डिलीट हो जाएगी। यू वॉन्ट बी विजिबल ऑन इंस्टाग्राम बिटवीन नाउ एंड देन, यानी कि अभी से लेकर 30 नंबर तक आप लोग नहीं वो होगे, विजिबल होगे। यू कैन कैंसिल द परमानेंट डिलीटेशन प्रोसेस एट एनी टाइम बिफोर द प्रोसेस स्टार्ट थ्रू अकाउंट सेंटर और बाय लॉग इन इन टू योर इंस्टाग्राम अकाउंट। यानी कि अगर आप परमानेंटली अपना अकाउंट डिलीट नहीं करना चाहते हो तो 30 नवंबर से पहले आप लोग नॉर्मली अपना अकाउंट जब लॉग इन करोगे तो आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग 30 दिन तक यानी कि एक महीने तक अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं करते हो, तब क्या होगा, आपका अकाउंट परमानेंटली यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अपना अकाउंट वापस से रिकवर नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर आपको अपना अकाउंट रिकवर करना है डिलीट, तो आपको 30 दिन के अंदर ही करना होगा, सिंपली अपना लॉगिन जैसे करते हो वैसे करके। और अगर आप वैसे नहीं करते हो तो 30 दिन के बाद आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, फिर उसको रिकवर करने का कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा।